बहुजन समाज पार्टी द्वारा गुरुवार को बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की 84वीं जयंती समारोह का आयोजन तारामंडल स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया, जहां कहीं भी काशीराम होंगे या उनकी आत्मा देख रही होगी वो इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ही ले रही होगी। धुर विरोधी पार्टियों के इस नायाब संयोग पर स्वर्गीय काशीराम स्वयं भी क्या महसूस करते होंगे ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बुआ भतीजे अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद और पार्टी के मुख्य ज्वाइंट इंचार्ज घनश्याम चंद्र खरवार, समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, बसपा के मुख्य ज्वाइंट इंचार्ज कल्पनाथ, सुरेश कुमार गौतम, सुधीर कुमार भारती सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के आरंभ में उपस्थित पदाधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर और काशीराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करके किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने काशीराम के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में भारी जीत की ओर भी जोर दिया। संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए इस जोड़ के सम्मान रहेगा, अनुहार साहब का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, गंगा हाथी निशान, देश के महाजनायक उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्वेच्छी तौर पर जगाने का काम किया और जिन्होंने इस समाज के अंदर सभी दलित अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का समर्पण करते हुए हाथी दिल्ली जाए वाले प्रबंधक साथी है पूरा सुधार नहीं किया है, आपसे निवेदन है कुर्सी और अभिनंदन से निवेदन है। मुख्य अतिथि जी के सम्मान में सम्मानित साथियों, जिन्होंने भारत की राजनीति की दशा ही बदलने का काम किया था, ऐसे मौके पर आज काशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसा महामानव आज ही के दिन में पंजाब के खवासपुरा गांव में, रोपड़ जिला के खवासपुरा गांव में जन्म लिया था। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वहां पर जन्म लेकर के मानवर श्री कांतिराम साहब ने देश की दलितों शोषितों पिछड़ों अक्लियतों की राजनीति क्या चीज है उस चीज को बताने का काम किया। आज ऐसे और अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है, हमारे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस तारीख को मानवर साहब का जन्म हुआ था, आज हम गोरखपुर में ही नहीं पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम वर्ग के लोग आज मानवर श्री कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म भारत ही नहीं दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले लोग उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आज पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मानवर कांशीराम साहब के समर्थक उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे बीच में विधान परिषद के पूर्व सभापति परमानी माननीय गणेश शंकर पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम मुख्य जोन इंचार्ज यहाँ मौजूद माननीय सुरेश कुमार गौतम जी मौजूद है, सुरेश कुमार भारती जी मौजूद है, श्रवण कुमार निराला जी मौजूद है, माननीय हरिप्रकाश निषाद जी मौजूद है, माननीय ब्रजेश जी
माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय विनोद कुमार जी और हमारे माननीय परशुराम निषाद जी, हमारे बीच में माननीय सुरेश चंद्र भारती जी, माननीय सुनील कुमार जी, माननीय ओम प्रकाश गौतम जी, माननीय इंजीनियर अमरीश कुमार, अध्यक्ष माननीय प्रहलाद यादव जी मौजूद है, माननीय गौरव बाबू जी मौजूद है, माननीय राजेश पांडे जी मौजूद है, माननीय हरेंद्र यादव जी मौजूद है, पूरी जिला कमेटी, पूरे मंडल की सभी पदाधिकारी, हमारी टीम यहाँ मौजूद है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।